हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है, 5:45 बजने वाले हैं, तो मैं शाम से अपना ब्लॉग बना रही हूँ। सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन अचानक से अनु की तबीयत खराब हो गई, तो फिर मैं नहीं बना पाई। कल मार्केट जाने वाली थी तो ट्यूशन गया, मैं वेट कर रही थी उसका, और फिर जब ट्यूशन से आया तो बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे। तो फिर मैं मार्केट नहीं गई, और उसके बाद रात में मैं थोड़ा सा ठीक लगा उसको तो खाना वाना दी थी, लेकिन मॉर्निंग में उठा तो बहुत ज़्यादा फीवर था। जब बीमार पड़ता है तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करता है, तो मम्मा सर दबा दो, मम्मा मेरे पास बैठो, तो सारा दिन बस ऐसे ही निकल गया। मैं नाश्ता भी नहीं बनाई, इसका मूड नहीं था तभी ठीक ना होने के कारण। तो और जब बच्चे ना खाए तो फिर बड़ों को भी मन नहीं होता है, तो मेरा भी मन नहीं हो रहा था। तो दोपहर में ब्रेड दूध दी हूँ, और मैं भी ब्रेड ही सॉस के साथ खा ली हूँ। उसके बाद फिर लंच बनाई आराम से 2 बजे में जाके, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी से वीडियो बनाना है स्टार्ट की, हाँ, क्योंकि आज भी वीडियो नहीं गई है, फिर कल भी नहीं जाएगी वीडियो नहीं बनाते। तो ये तो कुछ भी नहीं खाया है। दोपहर में मैं बनाई थी रोटी सब्जी, तो नहीं खाया, इसका मन नहीं हो रहा था। तो अभी बोला है कि मम्मा मैगी बना दो, तो जा रही हूँ मैगी बनाने, मैं भी इसके साथ थोड़ा सा खा लूंगी, क्योंकि मैं भी दोपहर में नहीं खा पाई, एक रोटी खाई। मेरी आदत है, मैं लेट अगर हो जाती हूँ खाना खाने में, टाइम से अगर खा लूँ तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो फिर उसके बाद भूख नहीं लगती है, नहीं मन होता है खाने का। तो मैं भी एक रोटी ही खाई थी, तो थोड़ा सा इसके साथ मैं भी नाश्ता कर लूंगी। तो जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए, और ये अभी तक नहीं आए हैं, तो ये आएंगे फिर मैं चाय बनाऊंगी। एक बार चाय बना के पी चुकी हूँ, पर इनकी आदत है, ये आते ही चाय मांगते हैं, तो चाय बनाऊंगी फिर। तो चलिए किचन में चलती हूँ, अनु के लिए मैगी बना देती हूँ और आपसे बातें भी करूँगी। तो आ गई हूँ किचन में मैगी बनाने के लिए, और 2 पैकेट बना देती हूँ। थोड़ा सा मसालेदार चटपटा बना दूंगी, अच्छा लगेगा तो खा लेगा, क्योंकि बच्चे ने सुबह से 2 ब्रेड ही खाया है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो मन दुखी हो जाता है। मैं सुबह से काम भी नहीं की, सिर्फ झाड़ू पोछा की, कपड़े पड़े हैं अभी भी नहीं धोई हूँ, तो कल धो लूँगी। और टाइगर इतनी शैतानी करता है, पर आज वो भी चुपचाप बैठा है, क्योंकि अनु जब घर पर रहता है तो वो सारा दिन उसके साथ खेलते रहता है, पर आज वो लेटा है तो वो भी उसी के पास बैठा है। कभी पेट पे बैठता है, कभी बगल में सोया पड़ा रहता है। वो भी सोच रहा है क्या हुआ भैया लेटा है। तो मैगी बना दी हूँ, थोड़े से मसाले डाल के बन गई है, तो दे देती हूँ। फिर ये आएंगे तो इनके साथ जाऊँगी टाइगर को घुमाने के लिए। इवनिंग के टाइम में अनु ही जाता है लेके, अकेले तो नहीं जाने देती हूँ, साथ में या ये रहते हैं या मैं रहती हूँ, क्योंकि टाइगर बहुत मस्ती करता है, रास्ते पर भी चलता है तो आड़ी तिरछी चलता है, तो साथ में जाती हूँ। तो इनके साथ चली जाऊंगी टाइगर को घुमाने के लिए। फिर जाऊंगी मार्केट, कुछ साग सब्जी भी लेने हैं, पास में मार्केट है तो आजकल मैं चली जाती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़े से मन फ्रेश हो जाते हैं। और न्यू रजाई बनवाई हूँ 2, तो रजाई की कवर भी लेने हैं। रजाई का कवर है, पुराना वाली है, पर वही है कि टाइगर जगह जगह से खाए हुए हैं तो है, उसकी आदत नहीं जा रही है, इसकी आदत तो क्या कर सकते हैं। तो आ गई हूँ टाइगर को घुमा के, और जैसे ही नाश्ता बना के आई तो ये भी आ गए थे, तो फिर मैं चली गई नाश्ता करके टाइगर को घुमाने के लिए। और फिर आई हूँ तो चाय बना ली हूँ, और ये कब से मेरे आगे पीछे घूम रहा है। जब गई थी इसको घुमाने के लिए तो उधर डॉग के छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे, तो मैं उसको गोद में उठा ली, तो मेरे कपड़ों में उसकी स्मेल आ रही है अभी तक, तो इसीलिए ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा है, आगे पीछे घूम रहा है कब से। तो चाय पीने के बाद चली गई थी मार्केट, तो रजाई का कवर लेके आई हूँ और कुछ साग सब्जी, तो आप सबको भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए, न्यू चीज़ों को देख के तो और ये परेशान करता है, अब अभी से इसके साथ खेलेगा तो सिंपल ही लेके आई हूँ, क्योंकि ये कब तक रहने देगा पता नहीं। और रजाई पर तो कवर चढ़ानी ज़रूरी है, नहीं तो गंदी हो जाएगी। ये है 2 रजाई का कवर, और ये खा जाता है, इसीलिए इसकी आदत है, ये आदत नहीं जाती है, बचपन से ही आदत है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे ऐसे सिंपल लेना पड़ता है। तो गई थी तो हैंड वॉश भी ले ली डिटॉल का,
और ये है ऑल आउट, खत्म हो गया था। और ये भी ले ली हूँ, इससे ना मच्छर जल्दी भागता नहीं है। और ये थोड़ा सा भी जला दो तो जल्दी मच्छर भाग जाते हैं। फिर ऑल आउट गेट बंद कर लेते हैं, फिर ऑल आउट जला देते हो। तो ये ली हूँ 3 छोटे छोटे इयररिंग, ये दिखाती हूँ कैमरा रख के। अच्छा है ना? छोटे छोटे ही पसंद आते हैं मुझे तो। मैं ज्यादा वैसे बड़ी नहीं पहनती हूँ, कान दर्द करने लगता है। तो ये भी मैं रोज नहीं पहनूंगी, बस खोल के रख दूंगी क्योंकि मुझे इस घाव हो जाते हैं। ये मैं दिखा रही, ये तो छोटे छोटे अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड का है। अच्छा लग रहा है, छोटा वाला पहनती हूँ, देखती हूँ वो वाला दूसरा वाला पहन के। बहुत अच्छा लगा। तो कैसी लगी इयररिंग जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की भी यही एंडिंग करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय टाइगर, बाय टाइगर, बाय बाय।